नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रहन और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। मौजूद हैं आज हम देवरी से 40 किलोमीटर दूर सेमरिया बंदा गांव में। यही एक ऐसा गांव है, देवरी विधानसभा का सबसे लास्ट गांव कहलाता है। इस गांव में न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, यहां तक कि मोबाइल में बात करने में भी दिक्कत आती, यहाँ पे एक सिग्नल भी नहीं मिलती आज यहाँ पे। और एक चीज देवरी विधानसभा में हम फिर कहेंगे कि आदिवासी वोट बहुत अहमियत रखता है और ऐसे क्षेत्रों में इन चीज़ों की कमी, यानी शासन प्रशासन इस पर जरूर ध्यान दे। आज हम इस गांव में मौजूद हैं और यहां पे जन्मदिन मनाने आए हैं देवरी के अपने संदीप जैन, बबलू सिनेमा मुखातिब होंगे, बातचीत होगी आज कि क्या देखा उन्होंने गांव में, क्या कमियां देखी, कैसा जन्मदिन रहा। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में। हाँ भाई, आज आप लोग जो यहाँ आए हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा गांव है जहाँ पर आने के लिए कम से कम मेन रोड से 2 घंटे लगते हैं और कहीं कहीं तो बीच में अपना रास्ता भटक भी जाते, आपने देखा होगा। और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, यहाँ पर कोई टावर नहीं या सिग्नल नहीं मिलते, रोड है नहीं, लाइट है नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा ग्रामीण लोग कितने खुश रहते हैं, इनके चेहरे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनको सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही। और मैं इसके पहले जन्मदिन अपना देवरी में मनाता रहा हूं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मैं आदिवासी भाइयों के बीच में ही अपना जन्मदिन मनाता हूं, क्योंकि इनके बीच जन्मदिन मनाने से मुझे अपने अंदर हृदय से खुशी मिलती है। क्या कारण है सब कि कई यानी तमाम लोग जो रहते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी आलीशान होटलों में या जगह जगह अपने घर पर जन्मदिन मनाते, आपने आखिर ऐसा क्यों सोचा कि हम आदिवासियों के बीच में जन्मदिन? अब बड़ी बड़ी होटलों में तो मैं पहले ही मनाता रहा हूँ, लेकिन उन जन्मदिनों में और इन जन्मदिन मनाने में जमीन आसमान का अंतर है। वो जब हम जन्मदिन मनाते हैं उनमें जन्मदिन मनाने वाले स्वार्थी लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको बड़ी होटल से मतलब रहता, हमारे जन्मदिन से मतलब नहीं रहता। इन लोगों का जो हमने बीच में जन्मदिन मनाया है, ये लोग हमेशा याद रखेंगे। इनको जो पगड़ी पहनाई गई है, आप 5 साल 10 साल बाद भी इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे कब पगड़ी किसने पहनाई है। बड़े शहरों में जन्मदिन मना के हम तो अपना समय ही व्यर्थ करते रहे और इनके बीच में हमें हृदय से खुशी मिलती है। क्या लगता है यानी भाई साहब, तमाम यानी नेता भी कई हुए यहाँ पे, तो कई नेता हैं, लेकिन इस छोटी छोटी बस्तियों में किसी का ध्यान नहीं दिया। अब मैं सही बात तो यह है, नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुसार वो भी चाहते हैं कि गांव के उनकी जानकारी रखें और उनको सुविधा दिलाने का पूरा प्रयास करें। और हम लोग आज यहां आए हैं तो निश्चित ही इन लोगों की जो समस्याएं हैं हमें यहां लेकर जाएंगे और आदरणीय शिवराज सिंह जी के यहां उनको बताकर इनकी समस्याएं दूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में कुछ आदिवासी भी हैं, का नाम है दाऊ? हीरे नाम। कौन सा गाँव है? सिमरिया। का है लाइट आइट? कुछ नहीं है। काय काय की कमी है? लाइट की कमी है और रोड की कमी है, पानी की कमी है। कबू मान के चलो कोई बीमारी मार होगा और तो फिर कोई समस्या खराब है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आ सकता? नहीं आता। कौन से हैं अब उम्मीद आगे? बबलू भैया। पगड़ी कौन ने पहरवा दी? बबलू भैया। क्या नाम? मुकेश मंगा साहब। का नाम है? हल्के भाई। का देख रहे गांव में, का कमी है? कौन हमारे तो कीचड़ भी मजरा और आने जाने के लाने ने पुलिया ने कुछ आए नदी आ जाती, बीमार हो जाता है आदमी तो इतना ही खत्म हो जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे थे, न अब बीजेपी बारे आए आए न कांग्रेस बारे आए आए, सो आज आज आए हैं सो अब होगा। जी तो समाज सेविया जी कौन पार्टी बारे? अरे करवे हैं उनसे, उन्हीं से करवाएंगे हम काम, हम बुलाए हम करवाएंगे, नहीं से करवे नहीं से करवाएंगे हम काम। रूप सिंह का देख रहे गांव में कैसे का? गांव में तो बहुत सी दिक्कतें हैं साहब, यहाँ न कोई लाइट है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न बिजली है, न कोई है। ये पूरी लाइट की हम लोगों के बहुत दिन के आराम आराम जमा है तो ये भी नहीं। कैसे जीवन यापन कैसे चलत रहे थे? अब गुजार रहे हैं और यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही, गाँव खाली करवाया जा रहा है। का नाम है? शिवदास। कहाँ देख रहे गाँव में, कितने साल की हो गए?
यहाँ तो अब जन्मभूमि है भैया जी। नहीं कितनी उम्र कितनी हो गई? हमारी 44 साल। 44 साल में का दी सुख सुविधाएं? नहीं कोई सुख सुविधाएं नहीं है। हम लोग रोडों से परेशान हैं और बीमारी पड़ जाए तो जी नालों में बहुत दिक्कत आती है। पुल चाहिए हमें। और क्या नाम है भाई? मुकेश माधव भैया। कौन सी, आप किस गांव से? हम सिमरिया से। यहीं क्या देख रहे हैं यानी गांव में? इस गांव में भी सुविधा असुविधाएं हैं और हम लोगों के लिए यहां के कुछ यानी कि रोड सबसे पहले समस्या तो रोड की है। जब नेता आते ही हाँ। आप उनसे नहीं बोलते? नहीं, इससे पहले कांग्रेस के जो भी नेता आए उनके लिए हम लोगों ने तहे दिल से की भी उनका यानी कि सहयोग किया, वोट दी, हर चीज़ दी। लेकिन आज तक हम लोगों मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कि यहाँ ये सिग्नल की व्यवस्थाएँ हों। लेकिन अब हम लोगों की उम्मीद है, कांग्रेस से तो ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन अब हमारे जो बबलू भैया सिनेमे वाले जी हैं देवरी से, अब हम समस्त पंचायत वासियों की और ग्रामवासियों की इनसे ही आशाएँ हैं और हम लोगों के लिए ऐसा ही नेता चाहिए संदीप भैया जैसा BJP से। क्या छवि देखते हैं आप उनके पास में? सबसे पहली बात तो यह है हम लोगों के प्रति उनका यानी कि सहृदय से उन्हें चाहत है और तहे दिल से भी हम लोगों के लिए स्वागत करते हैं और वो कोई कमी नहीं रखते हैं। उनके में यानी कि ऐसी खूबी देखी हम लोगों ने कि हम लोगों को संदीप भैया ही गरीब लोगों के लिए वो यानी समक्ष रहते हैं। वो क्या नाम है दाऊ? बाबूलाल। कहते था पा जी कैसे रहो? तो मेला नहीं पहुँचे जी, वो मेला नहीं पहुँचे। हाँ, मेला आज कैसो लग रहा हूँ? आज अच्छा लग रहा हूँ। कहूँ ये सम्मान भाव है का? नहीं भाव। जो कौन ने कर दो? जो बबलू भैया ने। क्या अपेक्षाएं हैं अभिन से? अभिन से जो है कि हमें यहाँ रोड चाहिए, आने जाने के लाने आने जाने जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, पानी भी की कमी है, पानी भी नहीं है। तो हम पुनः जाएंगे संदीप जैन बबलू सिनेमा के पास। भाई साहब, यहाँ का हर एक आदिवासी आपसे एक बड़ी उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहिए? अब ये लोग उम्मीद जब रखे हैं तो मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं से जो बन पड़ेगा मैं कभी इनको निराश नहीं होने दूँगा। चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। एक लास्ट सवाल भाई साहब, यानी आपके कार्यक्रम में नेता नहीं दिखते, जनता दिखती? अब नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नेता आप जानते हैं, जब कोई किसी नेता को या किसी व्यक्ति को जब जनता चाहने लगती है तो उससे नेता लोग दूर होते चले जाते हैं। यही कारण है कि मुझे जनता चाह रहे, नेता मुझसे दूर हो रहा है। मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता, मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहे और नेता मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर होते रहे। तो हमारी बातचीत हुई देवरी के संदीप जैन बबलू सिनेमा से। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें सिर्फ जनता का प्रेम चाहिए, नेता का प्रेम नहीं चाहिए। नेता जितनी भी दूर रहेंगे हमें उसमें खुशी है, लेकिन जनता हमारे पास है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पीछे थे राहुल सिंह हेलगन, मैं लक्ष्मी पांडे राणा, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर मध्य प्रदेश।